न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। एक तरफ जैसे जैसे चुनाव संपन्न हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव में धांधली के आरोप भी लग रहे हैं। मामला रीवा जिला के सिरमौर से है, जहां वार्ड क्रमांक 15 जनपद पंचायत सिरमौर के अंतर्गत पोलिंग क्रमांक 194-95, झिरिया पंचायत भवन 196, चौरा शिक्षा गारंटी मुड़ियारी स्कूल क्रमांक 200 एवं दुबगवा क्रमांक 217, तो वहीं सतनी 197-198 और क्रमांक 199 में और मनवाही क्रमांक 218 में खाली मतपत्रों पर मुहर लगाकर फर्जी मतदान कराए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जाता है कि अभिषेक त्रिपाठी, जिनका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड आवंटित किया गया था, उसमें फर्जी मतदान करवाया गया, जिसकी शिकायत करने पहुंचे प्रत्याशियों ने पुनर्मतदान की मांग की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने पीठासीन अधिकारियों पर भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि पीठासीन अधिकारी ने अपनी भूमिका का निष्पक्ष रूप से निर्वहन नहीं किया और अभिषेक त्रिपाठी के प्रभाव में होने के कारण प्रक्रिया को प्रभावित करते हुए निष्पक्ष चुनाव में बाधा डाली है। आशय की शिकायत लेके आए हैं कि सिरमौर वार्ड क्रमांक 15 से हम जो खड़े हुए हैं तो अभ्यर्थी गढ़ ही है। हम लोग वहाँ से जो है तो चुनाव लड़े थे और जिसमें से कि चुनाव के दरमियान जो हम लोगों ने पोलिंग एजेंट बनाए थे तो उन पोलिंग एजेंटों को बाहर करके और फिर गणना की गई और उनको जो है तो जो गणना का पत्रक था वो नहीं दिया गया। और जब मैं स्वयं जब पोलिंग बूथों पर जब मैं अपनी देखने गया तो हमको पोलिंग बूथ पर अंदर नहीं घुसने दिया गया और भारी जो है तो भरकम उससे भ्रष्टाचार के माध्यम से जो है तो चुनाव जीता गया। और इसमें जो है तो सारी जो है तो शिकायतें आज जो है तो हम लोगों ने माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ, माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ और सचिव निर्वाचन आयोग भोपाल, हम लोगों ने हर जगह शिकायत दिया है। और इस पद के लिए आप लोग चुनाव लड़े थे, कितने प्रत्याशी आप लोग? ये जनपद सदस्य के लिए लड़े थे, 10 प्रत्याशी थे, 10 में जो है कि 5 लोग सब साथ में हैं और अंकित जी हैं, संजय जी। किस तरह गड़बड़ी किसके द्वारा कराई गई है? ये गड़बड़ी जो है तो माननीय केपी त्रिपाठी विधायक जी द्वारा जो है अपने चहेते प्रत्याशी अभिषेक त्रिपाठी को जिताने के लिए जो है तो सारा खेल खेला गया है। और इसका जो नहीं भी तो लोग उनके भी मत पड़ गए, जो जिंदा नहीं है, जो नहीं है स्मृत लोग उसके भी मत पड़ गए, जो भोपाल में है, जो बाहर है उनके भी मत पड़ गए। हम लोग अभ्यर्थियों को अंदर नहीं घुसने दिया गया। जब हम लोगों ने ये कहा कि भाई हमको अंदर जाना है, अपनी गिनती देखना है, तो हम लोगों को ये कह के बाहर करा दिया गया कि अभी जिला की गिनती चल रही, जबकि चल जनपद की रही है। और जो खाली मतपत्र पड़े थे उसमें जो है तो उसमें भी सील लगा करके और जो है तो उनको जिताने का प्रयास किया गया। हमारा नाम नरेंद्र द्विवेदी जय भोले है। मीडिया के माध्यम से ये चाहते हैं कि जो हमने इस आशय का जो शिकायती आवेदन पत्र दिया है इसमें निष्पक्ष जांच हो जाए और जो एक दो पोलिंग में जहां हम लोगों को घुसने नहीं दिया गया वहां जो है तो पुनर्मतदान हो और पुनर्मतदान हो करके जो है तो हम लोगों की जो है तो जो जिस आशय का हमने शिकायती आवेदन पत्र दिया है उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ।